8:25 तो चाय पीते हैं। पानी मैंने ले लिया है, चाय लेते हैं। ये कौन आ गया भाई? ये कौन है? डायपर पहन रखा है बे? अबे बिस्किट को लेने आया है क्या? देखना इधर। ओए गुड मॉर्निंग। बाप रे कितना शैतान बच्चा है यार ये। गुड मॉर्निंग पहले बोल दो, नहीं बोलना? चलो ठीक है मैं तो जा रहा हूँ, हटो। गुड मॉर्निंग बोलो तो। गुड मॉर्निंग। हाँ बिस्किट के दे रहा है। ये अपना कप आ चुका है और ये मम्मी का है, चाय भी बन चुकी है, चलो डालते हैं। तो अपनी चाय डल चुकी है, लो मम्मी उठा लो इसको पूरे को। अबे ये अब देखो, अब ये मेरे से ना सुबह सुबह ना ये नाटक करता है सच्ची। अपनी ये चाहता है कि भाई मैं इसको कुछ ना बोलूं। देखो कितनी गलत बात है, नहीं देखना इधर, इधर देखो वो गिरा दिया। तो गाइस जिम जाने का समय हो चुका है, तो चलते हैं जिम और मिलते हैं आपसे जिम के अंदर। तो गाइस अब इस वक्त मैं मीनू दीदी के घर पे हूँ और जिम बंद है और किसी का भी मैसेज नहीं आया मेरे पास ग्रुप के अंदर। बाकी 2-3 लोग हैं जिनके पास मैंने कॉल किया तो वो सब लोग नहीं आ रहे हैं, और ऑलरेडी वहाँ पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि भाई जिम बंद है। तो फिर दीदी का घर इधर से पास में है बहुत, तो मैं सोचा कि चलो मीन दीदी से बात कर लेते हैं और पीछे भी चलेंगे उधर रेन दीदी के घर, क्योंकि रेन दीदी के घर भी मुझे गए काफ़ी दिन हो गए। तो दीदी के घर मिलते हैं। इस वक्त मैं दीदी के घर पे हूँ तो ना कर दो हेलो, कर दो सबको हैप्पी होली। तो ये सब लोग मेरे लिए रख रखे हैं, बट पोपट हो गया है तो अपन क्या करेंगे, अपन फेंकेंगे किसी ना किसी के ऊपर। हेलो हाय, फेंक दो। मेरी गाड़ी गीली हो गई। गाइस सब लोगों के ऊपर फेंकने से अच्छा है कि मैं अपनी गाड़ी पे फेंक दूँ, क्योंकि गाड़ी है ना गीली हो चुकी है। अब इसको अच्छे से हम साफ कर देंगे, तो चलते हैं ऊपर। हाँ बोलो। हा, तो चलते हैं। तो गाइस 1:15 हो चुका है और अभी जस्ट मुझे एक मिनट हुई है आए, और आप सब लोग देख सकते हो मेरी हालत कितनी ख़राब हो गई, क्योंकि बाहर है ना भाई काफ़ी तेज़ धूप है, गर्मी है बहुत तेज। तो कपड़े चेंज करते हैं और खाना पीना करते हैं और शाम को नहाएंगे, क्योंकि अब गर्मी हो चुकी है तो शाम को नहाते हैं 4-5 बजे। तो गाइस आप देख सकते हैं कितनी डस्ट हो चुकी है, क्योंकि ऐसे की सर्विस करवाई थी भाई, गर्मी अब बड़ी जोरों से हो गई है। ये जल्दी गर्मी हो गई है, सोचा नहीं था। तो इस सर्विस का काम, और देख सकते हैं आप सोफा भी कितना गंदा हो गया, तो अच्छे से सफाई वफाई होगी यहाँ की। चलते दूसरे कमरे में, ये देखिए ये दूसरे कमरे की एसी की सर्विस हो रही है, बहुत ही ज़्यादा डस्ट है, बट इसमें तो इतना नहीं निकला कुछ भी, होल वाले में कुछ ज़्यादा ही था। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई हो गया अगला दिन और अभी समय हो चुका है भाई 7:30 का, और मैंने इतनी जल्दी नहा लिया आज, और रीज़न कुछ ऐसा था कि कल नहीं नहाया था, तबीयत तो ठीक नहीं थी, सर में बहुत तेज़ दर्द था और बाहर से आने के बाद नींद आ गई, तो इसलिए अभी जस्ट नहाया है। अब पानी और चाय लेते हैं और मुस्कान को स्कूल छोड़ना है क्योंकि उसका पेपर है, तो चाय पीते हैं। तो गाइस चाय और अपना ब्रेकफास्ट रेडी है, ये देखिए गर्मा गर्म चाय और पोहे, तो सुबह सुबह का रेडी है, तो करते हैं और चलते हैं फिर। तो गाइस अल्बर्ट हॉल के पास में हूँ मैं और यहाँ पे शूट चल रहा है, ये देखिए अब बहुत से ब्लॉगर्स भी आए हुए हैं यहाँ पे। हेलो
खूबसूरती देखिए अल्बर्ट हॉल की। मैं सोचा क्या थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़ा सा वीडियो शूट भी कर लेते हैं, तो चलते हैं भाई जिम। तो गाइस इस वक्त मैं जिम में हूँ और मैम बोल रही है एफ्रेश नहीं मंगवाया, तो एफ्रेश मंगवाते हैं मैम के लिए। और अभी भाई समय हो चुका है 10:15 का और खाली पड़ी पूरी जिम। अभी सब लोग जा चुके हैं, भैया लोग जो करते हैं देर तक वो सब लोग जा चुके हैं। और बबली मैम है, मैं हूँ और आशा दीदी आएंगी और भी 2-3 लोग आएंगे। और हमारे सर नहीं आए, अभी छुट्टी पे चल रहे हैं हमारे सर, वो इसलिए क्योंकि उनके पेपर, इसलिए हम सब लोगों को ही करनी पड़ती है जिम, जैसे वो बता देते हैं हमें तो हम वैसे ही कर लेते हैं। और कितने दिन की छुट्टी हो चुकी है यार, मतलब 4 दिन की छुट्टी हो चुकी है हमारी, तो इसलिए मेरा मन तो नहीं था जाने का, बट फिर मैंने सोचा कि छुट्टियाँ ज़्यादा हो रही है तो भाई चलते हैं, पहले मैम से बात कर लेते हैं। भाई मुर्गे मुर्गे को ये नीचे लिया है और समय हो चुका है 12 बज चुके हैं। और हमारे कार्तिक जी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, दिखाओ जल्दी से दिखाओ तो सबको, क्या देख रहे हो, नहीं दिखा रहे क्या, चलो ठीक है। तो गाइस 12 बज चुके हैं और गर्मी बड़ी जोरों से लग रही है और गर्मी बहुत तेज हो रही है, थकान हो गई बड़ी जोरों से। आप देख रहे होंगे मेरा हाथ है ना बिल्कुल लीला लीला लग रहा है, स्वेलिंग आ रही है यार इसमें, स्वेलिंग। तो पानी पीते हैं और रिफ्रेश मेरी थोड़ी सी बच चुकी थी क्योंकि मैंने वहाँ पे ली नहीं, आधा ही पिया आधा रख दिया, तो रिफ्रेश लेते हैं वही और पानी वानी पीते हैं। और खाने में क्या बना है वो बस, खाना अपना रेडी है, खाना खाते हैं। और आज मेरा सलाद खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो मैंने एक रोटी ली है और सब्जी ली है थोड़ी सी और छाछ लेंगे अपन, एक लिया तो छाछ लेंगे बस अपन, क्योंकि यार मेरा ना तो प्याज खाने का मन है आज और ना मेरे को खीरा खाने का मन है, बिल्कुल भी मन नहीं है। तो अपन लंच को इंजॉय करते हैं, छाछ उसका लेके आ रही है रसोई में से, छाछ डालेंगे एक गिलास छाछ लेंगे, फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि सर में बहुत तेज दर्द है। और हम इस ब्लॉग पे एंड करते हैं, कल से लेके ये था आज तक का ब्लॉग। और कल दोपहर के बाद मैंने ब्लॉग इसलिए कंटिन्यू नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। तो इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं, कैसा लगा ब्लॉग लाइक शेयर कमेंट कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाले टाइम पर मतलब ब्लॉग्स अच्छे अच्छे आने वाले हैं। अभी थोड़ी सी तबीयत के वजह से थोड़ा सा डाउन है, बट दूसरे चैनल का शूट हम जल्दी करेंगे 1-2 दिन में, तो आप सब लोगों को दूसरे चैनल पे भी फूड के ब्लॉग्स आने वाले हैं फूडी लवर के चैनल पे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फूडी लवर के चैनल को, तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।